पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया में AI रिवॉल्यूशन चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब हर सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई AI फीचर जरूर होता है। फिलहाल यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस को क्रिएट करने के ही लायक है, लेकिन कुछ इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ साल बाद यह इंसानों की तरह काम करने के भी काबिल बन जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब यह ह्यूमन इंटेलिजेंस को पार कर देगा और इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क के अकॉर्डिंग हमें इस AI को अभी से कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। सीधी सी बात है कि हम एक कंप्यूटर की इंटेलिजेंस से नहीं जीत सकते, लेकिन हम ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारा दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज चलने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके कुछ सक्सेसफुल टेस्ट्स भी किए जा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक की। न्यूरालिंक ब्रेन चिप्स बनाने का काम करती है जिन्हें इंसानों के दिमाग में फिट किया जा सकता है। इन चिप्स के जरिए ऐसी ऐसी चीजें की जा सकती हैं जिनके बारे में शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आज की इस वीडियो में हम आपको न्यूरालिंक की क्षमताओं और इसके भविष्य के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे हम इंसान आगे चलकर रोबोट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। न्यूरालिंक की शुरुआत डिसेबल्ड लोगों को हेल्प करने और AI से बराबरी करने के लिए की गई थी। एलोन मस्क के मुताबिक वह समय दूर नहीं जब AI हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर हम इंसानों ने इसे कंट्रोल करना या इसके बराबर इंटेलिजेंट बनना नहीं सीखा तो ये हमारे लिए काफी घातक साबित हो सकता है। न्यूरालिंक के जरिए एलोन मस्क इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो न्यूरालिंक हमारे दिमाग और कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाने का काम करता है। एक कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए आमतौर पर माउस की जरूरत पड़ती है, लेकिन न्यूरालिंक की मदद से यह काम मात्र दिमाग के जरिए किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर यह न्यूरालिंक चिप्स काम कैसे करती है। हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन का अगला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करने का काम करता है। वहीं ब्रेन के पिछले हिस्से में इमोशंस, विजन और बाकी सेंसरी इनपुट्स प्रोसेस किए जाते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के जस्ट पीछे मोटर कॉर्टेक्स नाम का एरिया होता है जो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन संभालता है। जब भी आप अपने किसी बॉडी पार्ट को हिलाते डुलाते हैं तो दिमाग का यही हिस्सा एक्टिव होता है। न्यूरालिंक चिप्स को बनाने का मकसद इसी मोटर कॉर्टेक्स को कंट्रोल करना है। दिमाग के इस हिस्से में कैलकुलेशंस की संख्या बहुत ज्यादा होती है। बॉडी मूवमेंट की एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए यह पार्ट बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस का इस्तेमाल करता है। एक नॉर्मल इंसानी दिमाग में करीब 86 बिलियन कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। यह न्यूरॉन्स एक दूसरे से केमिकल्स के जरिए बात करते हैं और उन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। जब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे न्यूरल कनेक्शन कहते हैं। दिमाग के जिस भाग में यह कनेक्शंस ज्यादा होते हैं वह भाग उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल मोटर कॉर्टेक्स। कई लोगों में बाई बर्थ या किसी तरह की चोट लगने से इस मोटर कॉर्टेक्स का कनेक्शन बॉडी के साथ टूट जाता है। इसकी वजह से वे अपने हाथ पैर हिलाने की क्षमता को खो देते हैं। न्यूरालिंक चिप्स उन्हें यह क्षमताएं वापस दे सकती है। यह चिप एक घड़ी के डायल के साइज की होती है जिसे दिमाग में इंसर्ट किया जाता है। सीधी सी बात है कि इसे दिमाग में लगाने के लिए स्कल में होल करने की जरूरत पड़ती है। सिर में छेद करने के बाद इस चिप में लगे 64 तारों को दिमाग के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। यह तार मात्र एक बाल की थिकनेस के होते हैं, जिस वजह से इन्हें मैनुअली इंसर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि न्यूरालिंक चिप्स को लगाने के लिए रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। इस सर्जरी में डॉक्टर्स RI नाम के रोबोट का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल एक सिलाई मशीन की तरह काम करता है। यह न्यूरालिंक के तारों को दिमाग के साथ कनेक्ट कर देता है ताकि ब्रेन और कंप्यूटर के बीच एक कनेक्शन बनाया जा सके। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्या सर्जरी के बाद यह चिप दिमाग में फील होती है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। इस चिप को दिमाग के जिस एरिया में लगाया जाता है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस हिस्से में कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं, यानी अगर कोई चीज इस पार्ट को टच करेगी तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। कई लोगों की ब्रेन सर्जरी तो बिना किसी एनेस्थीसिया के ही की जाती है, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा यूज की गई मशीनें और इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें फील ही नहीं होते। इस चिप के दिमाग में लगने के बाद इसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट होने के बाद वह इंसान जैसे ही किसी चीज को सोचता है उसके दिमाग में न्यूरल सिग्नल एक्टिवेट होते हैं। न्यूरालिंक इन्हीं न्यूरल सिग्नल्स को कंप्यूटर सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है, जिससे वह चीज दिमाग से निकलकर असलियत में होने लगती है।
जनवरी 2024 में मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर यह शेयर किया था कि न्यूरालिंक ने अपने ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। इस न्यूज के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने इससे जुड़ी कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं की, जिससे लोगों को न्यूरालिंक की क्षमताओं पर शक होने लगा। चारों तरफ यह खबरें फैलने लगीं कि मस्क ने ह्यूमन ट्रायल्स वाली बात सिर्फ मार्केटिंग के लिए कही थी और न्यूरालिंक अभी भी इंसानों के लिए रेडी नहीं है। इन खबरों के कुछ ही दिनों बाद मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसमें नोलैंड नाम का एक आदमी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चेस खेल रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि नोलैंड के सिर के नीचे की बॉडी पैरालाइज्ड है, यानी वह अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बावजूद वह न्यूरालिंक चिप के जरिए चेस को कंफर्टेबली खेल पा रही हैं और इसमें उनके शरीर का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस वीडियो के रिलीज होने से पहले ज्यादातर लोग न्यूरालिंक को मात्र एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट मानते थे। उनके मुताबिक यह आइडिया थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असलियत में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल के बाद से ब्रेन चिप्स में होने वाली इन्वेस्टमेंट्स काफी बढ़ चुकी है। न्यूरालिंक भी अपनी दो नई चिप्स को अनाउंस कर चुका है, जिनका फंक्शन एक दूसरे से बहुत अलग होगा। इनमें से पहली चिप का नाम टेलीपैथी है, जिसका इस्तेमाल बिना बोले या बॉडी को मूव किए कम्युनिकेट करने के लिए किया जाएगा। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो किसी डिसेबिलिटी के चलते दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। यह चिप उन्हें ऐसा ही करने में मदद करेगी। ये दिमाग में चल रही बातों को साउंड में कन्वर्ट करके एक स्पीकर के जरिए बताएगी। इससे वह डिसेबल्ड इंसान बिना अपने मुंह का इस्तेमाल किए भी बोल पाएगा। इस चिप को दिमाग में इंसर्ट करने से पहले पॉलीअमाइड मटेरियल से कवर किया जाएगा। यह कवर इसे प्रोटेक्ट करेगा और साथ में हमारे दिमाग को भी सेफ रखेगा। कई रिसर्चेस में यह साबित किया जा चुका है कि पॉलीअमाइड हमारे शरीर या दिमाग के लिए हार्मफुल नहीं होता, जिस वजह से इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। न्यूरालिंक की सभी चिप्स वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ये दिमाग के अंदर ही चार्ज हो जाती है और करीब 8 घंटे तक प्रॉपरली काम करती है। न्यूलैंड के मुताबिक इन चिप्स की बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा कम है। ध्यान रखिए कि इस चिप की बैटरी खत्म होने का मतलब है आपका और आपके शरीर का कनेक्शन टूटना। यह कई बार काफी घातक भी साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और यह चिप अचानक से डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसा होने पर आप अपनी गाड़ी को जरा भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं यह शायद बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के मुताबिक आगे चलकर ऐसी ब्रेन चिप्स हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए भी यूज की जा सकती हैं। इनके इस्तेमाल से हमारे विचारों और हमारे डिसीजंस को चेंज किया जा सकता है। यह सुनने में जितना खतरनाक लगता है, असलियत में भी उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। आगे चलकर इन ब्रेन चिप्स में सब्सक्रिप्शन सर्विसेज भी डाली जा सकती हैं। ऐसे में आपको अपने ही विचारों और मेमोरी को अनलॉक करने के लिए पैसे पे करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा यह कंपनीज अपनी एड सर्विसेज भी रन कर सकती हैं। मान लीजिए आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और अचानक से आपके दिमाग में एक एड प्ले होने लगता है। इससे आपकी प्राइवेसी और मेंटल हेल्थ दोनों खराब होंगी। फिलहाल यह टेक्नोलॉजी काफी नई है, जिस वजह से इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में कोई नहीं जानता। कुछ इंजीनियर्स बताते हैं कि इन चिप्स में AI को इंटीग्रेट करने के बाद हम इंसान साइबर्ग्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि साइबर्ग्स हाफ ह्यूमन और हाफ रोबोट क्रिएचर्स होते हैं। यह दिखते और सोचते तो हम इंसानों जैसे हैं, लेकिन इनकी सोचने और काम करने की स्पीड बिल्कुल कंप्यूटर्स जैसी होती है। भविष्य में हम इंसानों का साइबर्ग बनना एक जरूरत भी हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी साबित हो सकता है। ऐसे में अगर हम इंसान खुद भी AI का इस्तेमाल करने लगे तो इस कठिन प्रॉब्लम को आसानी से टाला जा सकता है। हम AI को AI का ही इस्तेमाल करके हरा सकते हैं, जिससे ये कभी हमारे लिए खतरा नहीं बनेगा। न्यूरालिंक की दूसरी चिप का नाम ब्लाइंड साइट है। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ही पता चलता है कि इसे दृष्टिहीन लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से टेलीपैथी को मोटर कॉर्टेक्स में फिट किया जाता है, वैसे ही ब्लाइंड साइट को दिमाग के पिछले हिस्से यानी विजुअल कॉर्टेक्स में फिट किया जाएगा। इससे वह ब्लाइंड इंसान आंखें खराब होने के बावजूद चीजों को क्लियरली देख पाएगा। यह चिप अभी भी डेवलपमेंटल फेज में है, लेकिन इसे भी बहुत जल्द लॉन्च किया जा सकता है। न्यूरालिंक और ब्रेन चिप्स का फ्यूचर इंटरेस्टिंग होने के साथ काफी खतरनाक भी होने वाला है। क्या हो अगर इन चिप्स का इस्तेमाल करके कुछ लोग एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बन जाए? अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वे ज्यादा पैसे भी कमा पाएंगे और एक अच्छी लाइफ भी जी पाएंगे। ऐसे में उनका मुकाबला करने के लिए बाकी लोगों को भी यह चिप लगवानी पड़ेगी, जिससे यह एक ऑप्शन की जगह जरूरत बन जाएगी। यह न सिर्फ हमारे लिए अनसेफ होगा, बल्कि चिप्स बनाने वाली कंपनी इसका गलत फायदा भी उठा सकती है। खैर, यह चिप्स हमारे लिए हार्मफुल होगी या यूजफुल,
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे अगर आपको फ्री में एक न्यूरालिंक चिप लगवाने का मौका दिया जाए तो क्या आप ऐसा करवाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।